क्लियर है। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 20, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। एरिया एंड पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। एरिया एंड पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर्स में बच्चे सबसे पहले आ जाती है आइडेंटिटीज। जिसको आइडेंटिटीज लर्न है उसके लिए बहुत इजी है। सबसे पहला फॉर्मूला जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मेनली बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल के अंदर यहां से बच्चे एल्टीट्यूड, अब जिस साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉन है परपेंडिकुलर ड्रॉन है उस साइड को बेस लेंगे। जैसे इस ट्रायंगल में जो जो मैंने ड्रॉ की है परपेंडिकुलर कौन सी साइड पे ड्रॉन है, बीसी पे। तो हाफ बीसी क्या हो जाएगा, बेस, एंड एडी इज द हाइट। सपोज ए बी सी, यहां सी से एल्टीट्यूड ड्रॉन कर दिया मैंने ए बी पे, सी डी। इन दिस फिगर यश धैर्या हाफ विच साइड इज द बेस एंड विच साइड इज द परपेंडिकुलर। ए बी इज द बेस एंड डी सी इज द हाइट। मम्मा ने बोला है कि ऊंची नहीं बोलना। ए बी इज द बेस एंड डी सी इज द हाइट सर। सीडी इज द हाइट बेटा, ठीक है? ऐसे बोलना है जैसे अब बोला है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जो बीसी है जैसे मतलब जो भी हम बेस ले रहे हैं सर उसका हम टू टाइम्स नहीं करेंगे, बिकॉज जो हाइट है वो तो सर उसके अकॉर्डिंगली तो सर फिर ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगी। नहीं बेटा, नहीं डबल नहीं करेंगे। जिस साइड पे एल्टीट्यूड है वो पूरी साइड बेस होती है, ये पूरी साइड बेस है। अब तीसरा मान लो यहां से भी एल्टीट्यूड होता तो एसी को बेस लेते तो उस पे एल्टीट्यूड कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बीई। तो वहां पे बीई होता। इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, क्या फाइंड करना है। जैसे हम जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो चैप्टर होता वो अलग है। ये ले, अब राइट एंगल ट्रायंगल बना दी ए बी सी। अब इसके अंदर बी सी को बेस, ए बी को हाइट, ए बी को बेस तो बी सी हाइट। इस फिगर के लिए हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी हो जाएगा। इसमें तो ये 90 आ गया ना, देखो ध्यान से। यस सर। वन मोर थिंग, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए ऑब्ट्यूज पता है ना कौन सी होती है अभिजोत? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अभिजोत? यस सर। इतना लेट रिस्पॉन्ड क्यों करता है तू? मैं पूछना बंद कर दूंगा तेरे से, देख ले। यस अभिजोत, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। जिसका एंगल सर 90 से प्लस हो, इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। ओके, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दी मैंने ए बी सी। अब ए से एल्टीट्यूड अंदर की तरफ आएगा कि बाहर की तरफ जाएगा? नेचुरली है कि एल्टीट्यूड क्या होता है, बिल्कुल सीधा ऐसे ही आएगा ना, और प्रोड्यूस लाइन को कट करेगा, यही होगा। यस सर। तो यहां पे देखो बच्चे, हमने एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का जहां पे मैंने लाइंस मार्क कर दी।
we have to find the area of ABC. Half base kisko lenge? BC ko lenge. And height kisko lenge? AD ko. ये ध्यान रखना है obtuse angle triangle में CD को base नहीं लेना क्योंकि हम तो area सिर्फ इस triangle का निकाल रहे हैं. तो BC is the base and AD is the height. Understood? आया समझ? ये ध्यान रखना क्योंकि इस चीज का भी यूज. Yes sir. ये तो था simply formula. Half into base into height. जिस साइड पे हाइट ड्रॉन है मतलब परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड या हाइट तीनों एक ही चीज है. परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड और हाइट इज द सेम थिंग. जिस साइड पे बच्चे ड्रॉन है दैट इज वी टेकन एज बेस. इस ट्रायंगल में बीसी को बेस ले लिया एडी उस पे हाइट है. इस ट्रायंगल में ए बी को बेस लेंगे तो सी डी हाइट है. ए सी को बेस लेंगे तो बीई हाइट है. मतलब दोनों लिख दिया देखो मैंने तभी. राइट एंगल ट्रायंगल है बेस एंड हाइट जिसको मर्जी ले लो. हाँ बीसी इंटू ए बी. सर उसमें से सिर्फ सर हमें एक ही लेनी होती है ना. हाँ नहीं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या दिया है. मान लो ये क्वेश्चन आ गया एक सेकंड क्या. हाँ रूप सर सी डी जो थर्ड स्टेप है हाफ इनटू एसी इनटू बीई कैसे आया वो तो सी डी था. ये देखें इसको बेस लेंगे तो इस पे कौन सी साइड एल्टीट्यूड है. बीई नहीं है. यस सर. तो बीई होगा बच्चे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस साइड पे कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉन है दैट इज. अब आ गया बच्चे इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल. अन्वेषा इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है. सर जिसमें सब साइड इक्वल होते हैं. एंड विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. तो ईच साइड को ए लेट कर लेते हैं. इस साइड को क्या लेट कर लेते हैं ए. तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला रूट 3/4 साइड स्क्वायर होता है. स्क्वायर सिर्फ साइड का है एंड नेट रूट 3/4 ए स्क्वायर. ये बच्चे है फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का. इक्विलेटरल ट्रायंगल आई थिंक सबको पता होगा कि कौन सी ट्रायंगल होती है. इसके बाद आए थे बच्चे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का. एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल दिवांशु कौन सी ट्रायंगल होती है. दिवांशु इक्वल होती है एक साइड नहीं होती. इन विच टू साइड्स आर इक्वल. इक्वल साइड को ए ले लेंगे. बेस जो थर्ड साइड बच गई दैट इज टू बी टेकन एज बी. तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखना है बच्चे 1/4 बी इनटू बी मतलब रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर. आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखना है. एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का 1/4 बी रूट 4a² माइनस B square. This is a formula for isosceles triangle. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, हम area of isosceles triangle में heroines formula नहीं लगाएंगे. Heroines से तो आ ही जाएगा बच्चे. तीनों sides पता हैं. Yes. उससे derive करके ये formula बनाया उन्होंने. Area of isosceles triangle का. Okay, sir. अभी ना page number 245 open कर. कर लिया? Yes, sir. उस पे थर्ड मेथड लिखा हुआ है. थर्ड मेथड लिखा हुआ है ना. यस यस लिखा हुआ है. मिड में एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा है ना वहां पे देखो 1/4 बी रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर. यस सर लिखा. तो ये फॉर्मूला बन गया किसका. एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का. ये हम यूज कर सकते हैं. हीरोन से करना है हीरोन से कर लेना बट दिस इज बेटर देन दैट. Okay, इसमें सीधा फॉर्मूला में वैल्यू फिल क्योंकि ये ड्राइव कहां से हुआ है उसी चीज से हीरोन से ही ड्राइव हुआ है. समझे. यस सर. अब आ गए बच्चे इसके बाद
स्केलिन ट्रायंगल जिसमें हमें कोई अल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ बट तीनों साइड्स दी हुई हैं. ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन एट दैट टाइम. एरिया इज टू बी कैलकुलेट By using Heron's formula. इसका नाम हीरोन्स क्यों पड़ा? जिस मैथमेटिशियन ने इसकी बच्चे खोज की थी या इसको ड्राइव किया था उसके पीछे हीरोन्स लगता था. अब मुझे नाम तो याद नहीं है बट हीरोन्स उसकी कास्ट पीछे मतलब तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया हीरोन्स फॉर्मूला. S, S means semi-perimeter. अब perimeter पता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Ipshita, what do you mean by perimeter? So sum of all sides. Sorry. So perimeter, so boundary. ये ले. अब इसमें कौन सी side है? Boundary, so boundary. Perimeter का मतलब total length of outer boundary of a closed figure. टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर. अब ट्रायंगल के अंदर बाउंड्री क्या है? तीनों साइड्स का सम. तो दैट इज ए प्लस बी प्लस सी. सेमी का मतलब हाफ. सेमी पेरीमीटर को सेमी पेरीमीटर पूरा नहीं लिखेंगे हम एस से डिनोट करेंगे. एस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू. उसके बाद बच्चे एरिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रूट ये फॉर्मूला है एस एस माइनस ए. एस मतलब सेमी पेरीमीटर जो हमने कैलकुलेट किया. ए मतलब फर्स्ट साइड इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी. दिस अ फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला. मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं बच्चे फॉर्मूला सारे. फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. पहले पूरा एक्सप्लेन किया था अब सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं. सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट थ्री अपॉन फोर साइड स्क्वायर ए स्क्वायर. ए मीन्स साइड. थर्ड एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल वन अपॉन फोर बी रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. फोर्थ वन हीरोन्स फॉर्मूला. Heron's formula. S पहले फाइंड करेंगे a plus b plus c upon 2. उसके बाद एरिया रूट s s minus a s minus b s minus c. ये फॉर्मूला बच्चे आ गया समझ? ये सर लास्ट Heron's formula है. नहीं ये मैंने कुछ और लिखा है उर्दू में लिखा था मनमोहित. उर्दू में लिखा है ना ये? नो सर इंग्लिश में लिखा. कॉमन सेंस है यार जो लिखा है वो भी तुम मेरे से पूछ रहे हो कि हाँ हीरोन्स फॉर्मूला लिखा है ये? सर वो सर एस था ना लिखा एस इज इक्वल्स टू. हाँ फिर हैस क्या है? सेमी पेरीमीटर निकाल के उसके बाद ही एरिया निकलता है. तो ये हीरोन्स फॉर्मूला कोई भी ट्रायंगल में लग जाता है जिसमें तीनों साइड्स गिवन हो. तीनों की तीनों साइड्स हमें की लेंथ हमें पता है एट दैट टाइम. सो वो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है. हाँ जी हाँ जी. चाहे इक्विलेटर में लगा ले चाहे आइसोसेलस में लगा ले पर तीनों साइड्स पता होनी चाहिए. अब बच्चे हम एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर. जो हीरोन्स फॉर्मूला उसको नेगलेक्ट करना चाहिए तो हम किसी भी ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे. सॉरी समझ नहीं आया क्या पूछा है सर. जैसे अगर हमें हीरोन्स फॉर्मूला नहीं यूज करना किसी भी ट्रायंगल में तो हम उस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ड्रॉ करके फिर उसके बाद वो निकाल लेंगे. अल्टीट्यूड की लेंथ भी होनी चाहिए ना बेटा. अल्टीट्यूड की लेंथ भी पता होनी चाहिए हमें. सो वो तो सर पाइथागोरस से निकल ही जाएगी. पाइथागोरस से कैसे निकल जाएगी? वो सिर्फ इक्विलेटरल में कर लेगी तू या आइसोसेलस में कर लेगी. स्केलिन में कैसे कर लेगी?
क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी होती है बच्चे जिसमें एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द बेस। इक्विलेटरल में तीनों एल्टीट्यूड बाइसेक्ट करते हैं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसके अंदर तीनों के तीनों एल्टीट्यूड एक्ट एज अ मीडियन तो बाइसेक्ट करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स हैं उनके कॉमन वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड है वही बाइसेक्ट करता है, दूसरे नहीं करते, ओनली वन। समझे? ओके सर। तो इन दोनों में तो अप्लाई हो जाएगा बट और किसी में अप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके सर। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 20A। बहुत इजी एक्सरसाइज है। फर्स्ट सम फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हूज साइड्स आर 18, 24 एंड 30। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी, नेम दे दिया, तीनों की तीनों साइड्स पता है 18, 24 एंड 30, 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसका एरिया फाइंड करना है, आगे वाला पार्ट बाद में। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कोरिस्पोंडिंग टू द लार्जेस्ट साइड। अब तीनों साइड्स पता हैं, तो एक साइड को ए, एक साइड को बी, एक साइड को सी। तीनों साइड्स पता हैं, तो हरमन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर हेरन्स फॉर्मूला। हेरन्स फॉर्मूला एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू एस। ए की वैल्यू बचे 18, बी की वैल्यू 30 एंड सी इज 24 डिवाइडेड बाय 2, 4, 8, 12, 1 कैरी, 3, 3, 6, 1, 7 अपॉन टू 36 आ गया। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 36 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया, मतलब यहां पर एक लाइन लिख देना by using Heron's formula. Area is root formula bache S, S minus A, S minus B, S minus C. Root S, 36 find kiya beta, 36 माइनस ए की वैल्यू 18 थी, 36 माइनस बी की वैल्यू 30 ली थी हमने, 36 माइनस 24। स्टेप बाय स्टेप 36 माइनस 18 18, 36 माइनस 30 6, 36 माइनस 24 12। एक चीज और, चलो एरिया फाइंड करने के लिए बोला, पहले एरिया ही फाइंड करेंगे हम। इसको बच्चे मैं 36 को 2 इंटू 18 लिख दूं, ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि ऑलरेडी 118 इज देयर। 6 एज लाइक 12 को 2 इंटू 6 लिख दूं तो मुझे ज्यादा फैक्टर्स नहीं बनाने पड़े, मुझे हमारा सीधा ही बाहर आ जाएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया था ना 8 में, तो मनमोहित इसमें से क्या कुछ बाहर आ रहा है? सर 18, 6, 2 देखो 18 का पेयर है 118 इज आउट, 6 का पेयर है 16 इज आउट, 2 का पेयर है 12 इज आउट। 18 इंटू 12 18 टू 36 3 18 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। अब दूसरा पार्ट इसका, also find the length of altitude corresponding to the largest side. अब largest side कौन सी है इसमें से? 30 है ना? Yes, इसके corresponding altitude A से ही होगा या C या B से होगा? A से होगा। A से ही होगा ना? Sir? Shortest? Yes, sir. हाँ जी बोलो। तो पहले multiply होगा ना, फिर minus। क्या multiply होगा? सर पहले 36 को जो ब्रैकेट में 36 और 18 है उसे करेंगे नहीं मल्टीप्लाई, फिर माइनस। यार तेरा बुरा हाल है रूप, ब्रैकेट में जब बोर्ड मास रूल पता है कि नहीं पता?
सब पता है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेगी पहले, ब्रैकेट में लाइक टर्म्स हैं कि नहीं है? सर है। तो वो माइनस हो जाएंगी, समझे? यस सर। उससे भी हो जाएगा, बट क्यों लेंथी कर रही है उसको, कि टाइम अपना पास करना है पेपर में। बोलो यहाँ 8-10 सम रह जाएं, ये घर में आके बोले फिर यहाँ मुझे आता तो सारा था बट टाइम कम था। बोलो रूप, ऐसे करने? नो सर। एरिया क्या आ गया? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया तो वही है जितना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आएगा, या इसको एच बच्चे हाइट हमने फाइंड करनी है ना, ए डी ले लो, हाइट फाइंड करनी है, या हीरोन से आया तो एक ही सेम ही होगा कि डिफरेंट होगा? एक ही ट्रायंगल है तो एरिया तो सेम ही रहेगा ना। यस सर। तो उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल रख दिया। जो एरिया हमने हीरोन से कैलकुलेट किया था उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रख दिया हमने, क्योंकि एरिया तो वही रहेगा जितना आएगा इस ट्रायंगल का एरिया वही रहेगा, चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ, चाहे एसी को बेस वहां से एल्टीट्यूड होगा उसके इक्वल रखें, चाहे एबी को बेस उससे सी से एल्टीट्यूड होगा उसके इक्वल रखें, तो भी सेम आएगा ना। हाफ बीसी हमें लॉन्गेस्ट साइड हमें गिवन थी 30, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एडी हमने फाइंड करनी है। एडी को एडी रखा। मोहित? यस सर। एडी किसके इक्वल? सर एडी इज इक्वल टू 216 सर, डिवाइडेड बाय इनटू इनटू टू नीचे, यस सर, और नीचे 36 यार इतनी गंदी राइटिंग भी नहीं है मेरी। नो सर, समझना है 216 और 36 थोड़े से मिला रहना इसलिए। ओके 15 आ गया बच्चे, ठीक है, डब्ल्यू कट हो रहा है 7 3 2 या 5 72/5 आ गया। डेसिमल में करो 5 1 5 22 5 4 20.4 तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या आ गई? 14.4 सेंटीमीटर आ गई। किसी को ये सम समझ ना आया हो? पता नहीं कैसे आया सर, लेकिन जो दिया है क्वेश्चन वहां पे तो मिला सेंटीमीटर। बच्चे एरिया में एरिया के यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम में मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब होता है, लेंथ अकेला दैट इज सेंटीमीटर मीटर में होती है। अब ये एडी है इसलिए अकेला सेंटीमीटर आया इसमें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, जो लास्ट वाले स्टेप में आपने कटिंग की है सर, मैंने ना उसमें पहले से ही कटिंग करके फिर उसके बाद शिफ्ट किया, तो सर मेरा ना ऑन ही रहा, पता नहीं क्यों। क्यों नहीं आ रहा? सो मेरा बन रहा है 216/15 हाँ फिर कट कर उसको। या भी ऐसा ही है, ये रहा 216/15 ही बच गया, 72/5 आएगा 3 के टेबल पे कट करने पे। कौन से टेबल पे कट किया है अक्षिता तूने? सर मैं तो 3 के टेबल पे देख रही थी, कोई नहीं था सर, मैंने लेकिन उसका डायरेक्ट कट किया, 14.4 ही आया। हाँ डायरेक्ट कर लो, चाहे ऊपर भी कट रहा है बच्चे 3 के टेबल पे। फर्नीचर पे मेरे इतना खराब है, कोई बात नहीं सर। अमृतसर में पागलखाना भी है ना सर? है। वहां छोड़ के आने वाला है अक्षिता को? नहीं सर, अभी मैं ठीक हूँ। ठीक है, चलो। The length of sides of triangle are 3:4:5. Area of triangle find करना है, its perimeter is 144. Sides की रेशो दी है ना 3:4:5, तो 3x, 4x and 5x let कर लो।
लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 3x सेंटीमीटर, 4x सेंटीमीटर एंड 5x सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर गिवन है कितना, 144 सेंटीमीटर. रूप पेरीमीटर क्या होगा इसमें ट्रायंगल में? सर क्या? मेरा सिर. नहीं सर, पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का? नहीं पता. पेरीमीटर क्या होता है पता है? बाउंड्री की लेंथ. तो इस ट्रायंगल की बाउंड्री क्या है रूप? तेरे से पूछना है मैंने. ए बी सी. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही है. तो वो पेरीमीटर बन गया. अब याद रखना इसको, तो बाद में पूछती ये कैसे कर दिया, है ना रूप? यस यस सर. अब पता लग गया. यस सर. तीनों को ऐड किया, 12x इज 144, x इज 144 अपॉन 12. कट किया बच्चे, 12 आ गया. x की वैल्यू 12 आ गई. यहाँ फिल करो तीनों में, 3 इंटू 12 36 आ जाएगी साइड, 5 इंटू 12 60 साइड आ जाएगी, 4 इंटू 12 48 आ जाएगी. अब फाइंड क्या करना था इसका एरिया. अब तीनों साइड्स पता है, एक को ए ले लो, एक को बी, एक को सी. यू कैन फाइंड इट बाय यूजिंग हीरोंस फार्मूला. यस सर, हो जाएगा. यस सर. कर लोगे इसके बाद? यस सर. यस सर. यस सर. जैसे फर्स्ट सम में किया था हमने वैसे. ठीक है. यस सर. प्रणव आया नहीं था? प्रणव ने ज्वाइन तो किया था, भाग गया फिर. नींद आ गई होगी. चलो थर्ड सम. इसके बाद बच्चे अपने आप करोगे. तीनों साइड्स आ चुकी हैं हमारे पास. ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू 4 एंड एंगल ए इज 90. एंगल ए 90 दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दी. बीसी जहां मर्जी ले लो, ए पे 90 बोला तो ए 90 डिग्री एंगल ले लिया. एबी इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ये भी 4 है, ये भी 4 है. एंगल ए 90 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करना है. विराज किसके इक्वल? सर सर ये आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया. हाँ हाँ. तो सर राइट एंगल भी है. जैसे राइट एंगल, जैसे राइट एंगल भी है. हाँ. सर वन अपॉन टू. हाँ. इनटू एबी. हाँ. इनटू एसी. हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. हाफ बेस एबी को ले लेंगे, हाइट ए सी को ले लेंगे. हाफ ए बी इज 4, ए सी इज 4. 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इन आंसर आ गया पहला पार्ट. सर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी पे जो एल्टीट्यूड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है. इसको डी पॉइंट ले लेते हैं. ए डी वी हैव टू फाइंड. यस बता विराज कैसे करेंगे AD को? सर यस सर. हाँ सर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. तो सर हमें सर AD फाइंड करना. हाँ AD फाइंड करना है सर. मनमोहित. यस सर. How we can find AD? Sir, sir, by using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem, first of all, you can find BC. BC square, kiske equal? AB square plus AC square. By It's using? हाँ जी बेटा. Sir, area तो वही रहेगा ना सर. हाँ जी बेटा, मैं देख तो सही.
एक मिनट ओके सेकंड देख ले बीसी स्क्वायर कंप्लीट हो जाने दे तू अपने आप कहेगा हाँ ठीक है फोर का स्क्वायर 16 फोर का स्क्वायर 16 बीसी स्क्वायर रूट ऑफ 32 बीसी की लेंथ क्या आ जाएगी 4√2 आ जाएगी 4√2 सेंटीमीटर ये लेंथ आ गई मेरे पास अब ट्रायंगल का एरिया तो चेंज हो नहीं सकता 8 आया तो 8 ही रहेगा ना अब हाफ बेस बीसी को ले लो हाइट एडी को ले लो इज इक्वल टू 8 हाफ बीसी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4√2 एडी की लेंथ फाइंड करनी है अगर आप समझ आ गया क्यों हमने बीसी फाइंड किया यस सर क्योंकि बीसी फाइंड करने नहीं करेंगे तो एडी फाइंड नहीं हो सकता दैट्स द रीजन ओके यस सर 4√2 एडी की लेंथ कितनी आ गई 4/√2 आ गई रूट टू से ऊंचे ऊपर रूट टू से नीचे 4√2/2 कट किया 2 √2 रूट टू की वैल्यू फिल कर देना 1.414 एडी कैलकुलेट हो जाएगा इतने सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा करी देता हूँ हाँ सर जो यहाँ पे आपने एरिया यूज किया है वो आपने पूरा का पूरा 8 क्यों यूज किया हम तो सिर्फ उतने ट्रायंगल में देख रहे हैं ना एडी भी ट्रायंगल में मैंने कब बोला एडी भी में बोल कर रहे हैं हम नो सर हमने फाइंड तो सर एडी की करनी है ना सर इसलिए चल मुझे एक बात बता यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया मैंने इस एबीसी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बता सर हाफ इनटू टू हाइट बेस कौन सा लेगी सर बीसी हाइट सर एडी अब यहां बता एबीसी ट्रायंगल है यस सर इसका एरिया क्या होगा सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बेस क्या होगा सर बीसी Height. So, AD. तो अब यहाँ पे ये 8 किसका एरिया आया था सर एबीसी का तो ये मैंने किसका एरिया का फॉर्मूला लगाया अभी सर एबीसी का समझ आ गया यस सर एक बार नीचे दिखाना एक सेकेंड तो यहाँ पे कंफ्यूज होती रहती है कि ये यहाँ पे सिर्फ इतना बेस लो बट एरिया तो हम पूरे ट्रायंगल का निकाल रहे हैं तो बेस पूरा होगा ये पूरी साइड होगी नो सर जैसे उतने का निकालने के बाद सर उसको 2 से मल्टीप्लाई सर मैं इस चीज से कंफ्यूज हो जाती हूं बच्चे नॉट ऑलवेज मैं पहले भी बोल रहा हूँ नॉट ऑलवेज अब एलडीयू इसमें तो इसका एरिया निकालेगी ठीक है इसका ये बड़ा सारा है ये छोटा है तो इंटू टू कैसे कर देंगे उन्हें इंटू टू करना ही नहीं है बस ये सोच ले समझे ओके सर 22 को निकाल दे अपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दे गली में 22 करने ही नहीं है ओके सर हाँ जी बेटा बोलो अंकित सर कुछ नहीं हो गया हो गया यस सर आजकल इप्सिता तो मुझे ज्यादा तंग करने लग गई सर ये 20th चैप्टर सर दिमाग में समझ में ही नहीं आ रहा सर इतना बेकार सा चैप्टर है तो समय दिमाग से ये चीज निकालना पहले कि मैंने समझना है ये सोच ओके सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है हमें आसान हो रहा है 36 चला जा फिर लॉग आउट कर दे विराज नो सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया है 36√3 तो शौर्या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है यस सर बोलो सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 इनटू साइड स्क्वायर √3/4 साइड को मैं ए लेट कर लूं बच्चे इक्विलेटरल है तीनों साइड्स ए होंगी
इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होंगी, एक साइड को ए ले लिया तो तीनों साइड्स ए होंगी ना? यस सर। रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36 रूट थ्री। खुशागरा ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा सर? 36 रूट थ्री इंटू फोर अपॉन रूट थ्री। यस, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, ए 36 इंटू फोर आएगा, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट बन गया, यही आएगा ना खुशागरा? यस सर। 144, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12। साइड आ गई। अब फाइंड करने के लिए क्या बोला था उन्होंने? पैरीमीटर। तो खुशागरा पैरीमीटर भी बता दे मुझे कितना होगा इसका? सर साइड इनटू 3, 36। 3 इनटू ए, 3 इनटू 12, वेरी गुड। रूप पता चला, 3 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया? सर ये 12 पता चल गया, लेकिन 3 का क्या? ये क्या निकाला है? पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है सर? आगे पैरीमीटर क्या होता है मैं पूछ रहा हूँ तेरे से, बता मुझे। बाउंड्री होती है क्लोज फिगर की। हाँ, लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, ठीक है, बाउंड्री नहीं, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा ना? यस सर, इसलिए लिखा है 3a। फिफ्थ सम, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, विथ पैरीमीटर, पी लिख दिया पैरीमीटर, पी डिनोट कर रहा है पैरीमीटर को, 36 सेंटीमीटर एंड बेस 16। बेस बोल दिया ना, तो इक्वल साइड्स हैं जो उसको ए लेट कर लूं मैं? यस सर। शौर्य रूप नमन, इसका पैरीमीटर क्या होगा? सर हीरोइंस फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं बेटा, पैरीमीटर में बात कर रहा हूँ। पैरीमीटर क्या होता है पहले तो ये बता। सर बाउंड्री की लेंथ, क्लोज फिगर की बाउंड्री की लेंथ। हाँ, ये क्लोज फिगर है ना, इसके बाउंड्री में क्या क्या आ रहा है? ए प्लस 16 प्लस ए, 36 आ गया, ए प्लस ए 2a, 16 उस साइड जाके माइनस हो गया, 20 रह जाएगा, ए की लेंथ 10 आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आगे बच्चे, 10 सेंटीमीटर। यस सर। अब ये बी ले लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने किया था, तो अभिजोत एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला बता। सर 1 बाय 2 इनटू बेस इनटू हाइट, 1 अपॉन 4 बी रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, समझे? सर ए क्या है इक्वल साइड, बी क्या है बेस, 1 अपॉन 4 बेस 16 यूज होगा, 4 ए स्क्वायर 4 इंटू 10 स्क्वायर, बी स्क्वायर 16 स्क्वायर, 4 आ गया कट करके, 4 रूट 100 इंटू 4 400, 16 स्क्वायर 256, 4 रूट माइनस करेंगे 144 आएगा, 4 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को समझ ना आया हो बच्चे, ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, विदाउट फॉर्मूला हम नहीं कर सकते, ठीक है, आ गया समझ? यस सर। यस सर। Six sum, the base of an isosceles triangle is 24. Base 24 diya hai. Area hame 192 centimeters centimeter square diya hai. B given hai, isosceles triangle thi, is side ko AA let kar lo. Formula,
इप्सिता मैं फॉर्मूला फिर भूल गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, फटाफट बोल सर। 1/4 बी इनटू रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल 192 के। 1/4 बी की वैल्यू 24 है, रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर बी की वैल्यू फिल कर सकते थे। चलो अगले स्टेप में कर देंगे, अभी कटिंग मत करना यहाँ पे। ये कट गया, 6 आ गया, 6 रूट 4a² माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 24, 24 का स्क्वायर सीधा कर दूं 576, 24 का स्क्वायर करेंगे बी का स्क्वायर तो 576 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में बचे 4a² माइनस 576 एज लाइक 192, 6 कहाँ चला जाएगा नीचे, 6 3 18, 12, 6 2 12, क्या बच गया हमारे पास 4a² माइनस 576 बच गया, इसको 32 स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड्स पे, 4a² माइनस 576 आ जाएगा, इस साइड 32 का स्क्वायर आ जाएगा, समझे? यस सर। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो 32 को 32 से, 1024, 4a² 1024, क्योंकि स्क्वायर रूट सिंबल खत्म करना ही था, इसके बिना a नहीं आ सकता हमारे पास, 576 इस साइड आके प्लस हो गया, a² इनको ऐड किया कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा अपॉन 4, 1024 और 576 को ऐड करेंगे तो 1600 आएगा, कट किया 400, a स्क्वायर रूट ऑफ 400, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 आ गई, a वी गेट 20 सेंटीमीटर। दिस वन तीनों साइड आ गई। अब मैं ये भी कर देता हूं, उन्होंने फाइंड क्या करने के लिए बोला है, पेरीमीटर, पैरामीटर तीनों साइड्स का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी 20 फाइंड किया है बच्चे, बी सी 24 है, सी ए 20 है, ऐड किया 64 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा हमारे पास, समझे? यस सर। यस सर। इसी को मतलब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है बेटा? ओके सर। नाउ द सेवन सम, कितने सम्स हैं इसके, 15 है? यस सर, बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस हैं। चलो कोई बात नहीं, इजी है। यस सर। सर दूसरे वाले के तो 36 हैं। क्या सर दूसरी वाली एक्सरसाइज के 36 सम है, फिर क्या हो गया, डर लग रहा है? नो सर, टाइम बस ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम सारे एक जैसे ही होंगे। द गिवन फिगर शोज अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये एंगल बी 90 है पूरा कंप्लीट, एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी जो है वो इक्विलेटरल, तीनों कट लगा दिए मैंने तीनों साइड्स पे, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसका एरिया फाइंड करना है, ये 8 गिवन है तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ एबीसी, उसके लिए बच्चे पहले एबी फाइंड करना पड़ेगा, एबी कैसे फाइंड करेंगे दिवांशु? सब पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, एबी स्क्वायर किसके इक्वल होगा फिर सर? AC square minus BC square. Very good. Pythagoras theorem. देखो मैंने बच्चे altitude का square find कर रहा हूँ, तो hypotenuse square minus base square हो जाएगा. AB square AC 16 है 256, BC 8 है 64. AB square
सिक्स में से फोर गए टू, नाइन, 92 आ जाएगा। 192 के फैक्टर्स बनाओ, 2, 96, 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 6, 2, 12, 2, 24, 2, 48, 2, 96, 2, 92, ठीक है, 2, 2, 2, 3, 2 बाहर आ गया, मतलब 8 बाहर आ गया, 8 रूट 3 बच गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, इतने सेंटीमीटर। एक बार रूट में ही रखो, अभी वैल्यू नहीं फिल करनी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि मैंने ये फाइंड कर लिया 8 रूट 3, एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ बेस बच्चे बी सी, हाइट ए बी, क्योंकि एंगल 90 है कंप्लीट, हाफ बी सी इज 8, ए बी इज 8 रूट 3, 8 फोर जा 32 आ गया, 32 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू भी फिल करनी पड़ेगी हमें, या एक बार ऐसे ही रखो, चलो एक बार ऐसे ही रखो, हमने ये ऊपर वाला एरिया फाइंड करना है, नीचे वाला एरिया फाइंड करके पूरे एरिया में से माइनस कर दें तो आ जाएगा ना। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बीसीडी, हाँ जी सर, अगर जैसे यहाँ पे हमें 16 गिवन है एसी की लेंथ, तो हम वहां पे 8 वैल्यू पुट करके उसका हाफ क्योंकि हो जाएगा, तो सर एडी की ये एल्टीट्यूड नहीं दिया बच्चे, ये परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ, ओके ओके सर, पहले मेरे भी दिमाग में वही आ रहा था, बट बाद में मैंने सोचा कि यहाँ तो है नहीं, एल्टीट्यूड नहीं है, सर वो 2 होगा, ओ सॉरी 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया है 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे का एरिया क्या आया था 32 रूट 3 स्क्वायर। अब एरिया एबीडी फाइंड करना है, तो एरिया एबीडी क्या आ जाएगा, पूरे में सर ओकला वो माइनस एरिया एबीसी 16 रूट 3 माइनस एरिया बीसीडी, एरिया एबीसी इज 32 रूट 3, एरिया बी सी डी इज 16 रूट 3, माइनस किया व्हाट वी गेट 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रूट 3 की वैल्यू यहां फिल करेंगे 1.732, मल्टीप्लाई करो सर, नहीं आंसर वी गेट सर डेसिमल में सर पीछे रूट में ही आंसर है। यार तेरे को एग्जाम में रूट आंसर शीट दी होगी चेक करने के लिए, खुश आगर ये बताओ बच्चे, और कहीं भी ये फिल कर देते हैं कहीं नहीं करते, हम कर देंगे ठीक है, अंडरस्टूड, यस सर। जरा एक बार ना बच्चे आज के लिए इतना, सर ऊपर ऊपर का दिखाओ ना सर, ये ले देख ले तू, ऊपर वाला ही देख ले, चलो ओके बाय।